नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल V2 Explore में। आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के चार धामों के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड के चार धामों के नाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चारों धामों तक जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना होता है। यहाँ से आपको कार, बस, टैक्सी की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सबसे पहला धाम है दोस्तों यमुनोत्री। हरिद्वार से यमुनोत्री की दूरी लगभग 122 किलोमीटर है और बाय रोड 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इसका रूट है हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, धरासू, बरकोट, हनुमान चट्टी होते हुए यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यमुनोत्री में लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है। दूसरा धाम है गंगोत्री। हरिद्वार से गंगोत्री की दूरी लगभग 290 किलोमीटर और बाय रोड लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। इसका रूट है हरिद्वार, ऋषिकेश, नई टिहरी, धरासू बैंड, उत्तरकाशी, भटवाड़ी, हर्षिल से गंगोत्री पहुँचा जा सकता है। तीसरा धाम है केदारनाथ। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर तक की दूरी लगभग 123 किलोमीटर है और 7 से 8 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। इसका रूट है हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, गौरीकुंड से 15 किलोमीटर का ट्रैक करके आप बाबा केदारनाथ के धाम पहुँच सकते हैं दोस्तों। और चौथा धाम है बद्रीनाथ। हरिद्वार से बद्रीनाथ मंदिर तक की दूरी लगभग 316 किलोमीटर है और लगभग 9 से 10 घंटे का समय यहाँ तक पहुँचने में लग जाता है। इसका रूट है हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, गोविंद धाम, गोविंद घाट से बद्रीनाथ मंदिर तक पहुँचा जा सकता है दोस्तों। रेलवे स्टेशन से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, सामने बस स्टैंड है। आप बस स्टैंड से इन चारों धामों के लिए बस ले सकते हैं और सामने ही प्रीपेड टैक्सी है और सूमो का स्टैंड भी है। आप चाहें तो टैक्सी और सूमो भी आप कर सकते हैं और चार धाम यात्रा कर सकते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं ये टाटा सूमो स्टैंड है, यहाँ से आप टाटा सूमो ले सकते हैं। शेयर बेसिस पे भी और पूरी सूमो भी बुक कर सकते हैं और आसानी से आप चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ये सूमो स्टैंड है और सामने जो ये गेट आ रहा है ये बस स्टैंड है। यहाँ से भी आप चारों धाम जा सकते हैं बस के द्वारा। अगर आप सिंगल धाम जाना चाहते हैं, जैसे केवल यमुनोत्री जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, केवल गंगोत्री जाना चाहते हैं तो गंगोत्री जा सकते हैं, केवल केदारनाथ जाना चाहते हैं तो केदारनाथ जा सकते हैं और केवल बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो बद्रीनाथ धाम भी जा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और मैं आपको प्राइवेट बस स्टैंड का ऑफिस भी दिखा देता हूँ। सरकारी जो बस स्टैंड है ये इससे थोड़ा ही आगे चलने पर दोस्तों प्राइवेट ऑफिस है और यहाँ से भी प्राइवेट बसेस मिल जाती हैं। ये ऑफिस टिहरी गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का ऑफिस है। आइए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ये ऑफिस। यहाँ पर भी आप आकर अपने लिए सीट बुक कर सकते हैं। प्राइवेट बसेस यहाँ से चलती हैं और सुबह लगभग 2:30 बजे से ये सेवा प्रदान करते हैं और 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे तक आपको बसेस अवेलेबल हो जाती हैं। सुबह 2:30 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक आप अपने लिए सीट आरक्षित करा सकते हैं बस में। रेलवे स्टेशन के इस समय मैं सामने हूँ और इस सामने वाली गली में यातायात पर्यटन विकास सहकारी संघ लिमिटेड हरिद्वार का ऑफिस है। आप चाहें तो यहाँ से भी बस बुक करा सकते हैं। आइए चलते हैं, मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ। थोड़ा ही आगे चलने पर ये ऑफिस है, ये है यातायात और पर्यटन विकास सहकारी संघ लिमिटेड।
यहाँ से भी आप अपने लिए चारों धाम की सीट बुक कर सकते हैं, यानी बस में सीट बुक कर सकते हैं और आसानी से अपनी यात्रा सफल कर सकते हैं। टाइमिंग देख सकते हैं आप, सामने लिखी हुई है। ये अंदर ऑफिस है, ऑफिस में दोस्तों ये संजय भट्ट जी हैं, इनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये अपने यात्रियों का पूरा डिटेल रखते हैं दोस्तों, इन्होंने रजिस्टर बनाया हुआ है, पूरा डिटेल रखते हैं जिससे आगे कभी कोई दिक्कत आती है रूट पे चलते टाइम तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सामने जो वाइट कलर की बसेस दिख रही हैं राइट साइड में, ये प्राइवेट बसें हैं, ये ही चारों धामों के लिए जाती हैं और बाकी ऊपर गढ़वाल में जो बाकी जगह हैं वहाँ के लिए भी जाती हैं। तो आप अगर चारों धाम जाना चाहते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो आप इन बसों में अपनी सीट रिजर्व करा के आसानी से जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या जानकारी भरी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी व्यक्तियों को सही जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक नंबर दिया है, आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं सीट्स के लिए। और हाँ दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से दोस्तों बूस्ट मिलता है, एनर्जी आती है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं और अधिक से अधिक जानकारी आपको दे सके ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप अपनी यात्राएं आसानी से और उत्तराखंड के प्रत्येक जगहों पे आसानी से घूम सके। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।